दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने ईरान के बारे में काफी चर्चाएं सुनी, कारण आप सभी को पता ही है। पर इस वीडियो में मैं आपको साथ ऐसे अनोखे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 7F यानी कि 7 फैक्ट्स में। अगले 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नया जरूर बता कर जाए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे कि हम उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। चलिए शुरू करते हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि हम बहुत ही अशांत समय में जी रहे हैं, और एक कहानी जो 2020 की चिंता का प्रमुख कारण है वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। जैसे ही यह खबर विश्व के सामने आई, तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। अब अक्सर लोगों के प्रश्न हैं कि यह भविष्यवाणियां सच होने की कितनी संभावनाएं हैं, ऐसा क्यों हुआ और कौन था कासिम सुलेमानी। तो चलिए, इन सब प्रश्नों के उत्तरों के लिए आपको एक ऐसे देश की पृष्ठभूमि पर ले चलते हैं जिसका नाम है ईरान। फैक्ट नंबर 1, कौन था कासिम सुलेमानी। 3 जनवरी को मौजूदा संकट शुरू हुआ जब एक अमेरिकी ड्रोन ने ईरान में बगदाद हवाई अड्डे के पास कासिम सुलेमानी को ले जा रही एक गाड़ी पर बम गिराया। इस बम के धमाके के साथ ही कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। सुलेमानी कुड्स फोर्स के लीडर थे। कुड्स फोर्स यानी ईरानी मिलिट्री का वह विंग जो ईरान के लिए कवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देता था। सुलेमानी बेहद लोकप्रिय थे, पर उनकी लोकप्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को उन्हें रॉकस्टार जनरल के उपनाम से बुलाने के लिए प्रेरित किया। जानकारों का यह कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हमानी के बाद सुलेमानी ईरान के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। फैक्ट नंबर 2, हत्या के पीछे की कहानी। ईरान परमाणु समझौते के बाद से ईरानी मिलिट्री और कुड्स फोर्स ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका के मर्चेंट शिप्स, उनके सैन्य ठिकाने और उनकी तेल सुविधाओं पर हमला किया था, और कुड्स फोर्स के प्रमुख होने के कारण सुलेमानी ने निश्चित रूप से इस हमले की योजना बनाई होगी। ट्रंप प्रशासन का यह भी कहना है कि उनकी हत्या का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि खुफिया रिपोर्टों के आधार पर उन्हें जानकारी मिली कि सुलेमानी एक ऐसी साजिश पर काम कर रहा है जिससे कि अमेरिकी नागरिकों के लिए एक तत्काल खतरा उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या थी ईरान की न्यूक्लियर डील। 2 डेकेड से ईरान अपनी परमाणु क्षमताओं में वृद्धि कर रहा था, जिसमें वह कहता है कि यह ऊर्जा और अनुसंधान यानी कि एनर्जी और रिसर्च जैसे नागरिक उद्देश्यों के लिए था। 2005 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित हो गया कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब न बना दे, और ईरान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया जिसमें मुख्यतः आर्थिक प्रतिबंध शामिल थे। लेकिन 2015 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक सौदा किया। यह था ईरान की न्यूक्लियर डील का समझौता। इस समझौते ने ईरान पर प्रतिबंधों को कम कर दिया। बदले में ईरान ने अपनी मैक्सिमम न्यूक्लियर उत्पादन सुविधाओं को बंद कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को इसकी जांच करने की अनुमति दी। मई 2018 में ट्रंप ने इस डील से यूएसए को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि रीजनल वॉर्स में जो ईरान की भूमिका रही है, यह डील उन भूमिकाओं को कंसिडर नहीं करती है। तब से अमेरिकी जहाजों और सैन्य ठिकानों पर हमले के साथ साथ तनाव में वृद्धि हुई है, और सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने घोषणा की है कि वह इस न्यूक्लियर डील से अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का इरादा नहीं रखता है। फैक्ट नंबर 4, ईरान में किस प्रकार की सरकार है। 1979 से ईरान एक इस्लामिक राज्य रहा है, जिसका अर्थ है कि सभी कानून शरीयत या इस्लामी कानून के अनुसार होने चाहिए। जबकि ईरान में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सुप्रीम लीडर है, जिसे 12 लोगों के चुनिंदा समूह द्वारा चुना जाता है,
और सुप्रीम लीडर वरिष्ठ राजनेताओं की नियुक्ति कर सकता है तथा उन्हें उनके पदों से हटा भी सकता है। वह कानून या बजट को मंजूरी या वीटो कर सकता है और मूल रूप से किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर अंतिम रूप से उनकी संतुष्टि होनी अनिवार्य है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान में केवल दो ही सुप्रीम लीडर रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या ईरान एक अमीर देश है? विश्व बैंक ईरान को एक अपर मिडिल इनकम वाले देश के रूप में दर्जा देता है। देश में वेल्थ के मामले में यह वास्तव में दुनिया की 27 सबसे बड़ी जीडीपी है और इसे सुपर अमीर ऑस्ट्रिया और नॉर्वे के बीच में रखा गया है। हालांकि इसकी आबादी 82 मिलियन है। यदि हम निवासियों की संख्या से इसकी संपत्ति को डिवाइड करते हैं और जीडीपी प्रति व्यक्ति को देखते हैं तो ईरान 94th पोजीशन पर, दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा नीचे और जमैका से कुछ स्थान ऊपर है। हाल के दशकों में इसकी आय का लगभग 45% तेल और प्राकृतिक गैस रेवेन्यू से आया है, जो कि स्टेट ओन्ड सेक्टर्स हैं। ईरान की कृषि से भी काफी इनकम होती है क्योंकि ईरान खुबानी, चेरी और पिस्ता के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है। साथ ही कार निर्माण और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी ईरान की काफी अच्छी पकड़ है। फैक्ट नंबर 6, आखिर ईरान के पास कितना तेल और गैस है? इसका संक्षिप्त में उत्तर है कि बहुत अधिक। यह अनुमान है कि ईरान के पास रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और 150 बिलियन बैरल से अधिक वाला चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार, और यह तेल निर्यात करने वाले देशों के क्लब में यानी कि ओपैक में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ओपैक की फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हालांकि तेल पर इसकी निर्भरता ने इसे प्रतिबंधों के लिए बहुत ही कमजोर बना दिया है। 2015 में जब प्रतिबंध हटा दिए गए थे, ईरान की अर्थव्यवस्था में 12% की वृद्धि हुई, ज्यादातर तेल और नेचुरल गैस के कारण। लेकिन जब 2018 में फिर से प्रतिबंध लगाए गए, तेल निर्यात 3.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से लगभग 1 मिलियन बैरल तक सिकुड़ गया। फैक्ट नंबर 7, क्या तीसरा विश्व युद्ध निकट है? ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने के बावजूद आप यह सुनकर राहत महसूस करेंगे कि अधिकांश विशेषज्ञ टिप्पणीकारों का कहना है कि इसकी संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सेना ईरान की तुलना में बहुत अधिक है और इसलिए ईरान सीधे तौर पे टकराव का सामना नहीं करना चाहेगा। लेकिन हम ईरान की तरफ से कुछ कवर्ट ऑपरेशंस को जरूर देख सकते हैं, जिसमें साइबर हमले शामिल हो सकते हैं और संभवतः उच्च श्रेणी के अमेरिकी ऑफिसर्स की हत्या या अपहरण का प्रयास भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में ये क्या रूप ले सकते हैं, इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, हमारा आज का सफर इसी फैक्ट के साथ समाप्त होता है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज देखते रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।